हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये कामनी का प्लांट है और इसको कामनी भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल जो नेम होता है उसको मुरैया पेनिकुलाटा भी कहते हैं। और ये बहुत हार्डी टफ प्लांट है और बहुत आसानी से लग जाता है और इसके जो फूल होते हैं खूब आते हैं, भर भर के अभी फूल आना स्टार्ट हुए हैं इसलिए आपको कम कम दिख रहे हैं। कलियाँ बहुत लगी हुई हैं इसमें अभी देखिए, और बहुत इजीली लग जाता है ये। और बहुत रफ़ प्लांट है, मतलब कोई ज़्यादा मेंटेनेंस आपसे नहीं मांगता लेकिन खूब फूल भर भर के देता है। और जब फूल नहीं आते हैं तो भी इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं, पत्तियों की अपनी अलग ही ब्यूटी है। फूल नहीं आते तो भी प्लांट बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, इससे और ज़्यादा फूल कैसे लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत टफ़ प्लांट है, रफ़ टफ़ मैंने आपको पहले भी कहा, हर तरह की मिट्टी में लग जाता है। और आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी हाइट करीब 15-20 फीट ऊंची, अच्छी ऊंची ट्री जैसी हो जाती है। अभी यहाँ पे है नहीं कोई ट्री, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और गमले में लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा घना हो जाता है, आप इसकी ट्रिमिंग करते रहिए, बहुत घना हो जाता है और खूब भर भर के फूल आते हैं। लेकिन क्या है कि ये प्लांट ना थोड़ा ऊँचा होता है, इसको मिट्टी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप उसको 15-20 इंच के गमले में लगाइए तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और काफ़ी अच्छा गमले में भी करीब 5-6 फीट का ऊंचा हो जाता है ये, है ना। लेकिन इसके साथ इसको यह है कि अब लोकेशन की बात करते हैं, तो इसको फुल सनलाइट पसंद है, मतलब पूरे दिन में अच्छी 7-8 घंटे की इसको धूप मिले तो ये बहुत अच्छा रहता है प्लांट। और ये जो प्लांट है ये हैज बनाने के काम में भी आता है, इसकी हैज खूब अच्छी बन जाती है और इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हमारे यहाँ यह एक ये लगा हुआ है मधुकामनी और इधर लगा हुआ है हरसिंगार, तो शाम को इधर बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। इसकी जो खुशबू होती है ना, समझिए आप ऐसे होती है कि जैसे कि ऑरेंज और जैस्मिन दोनों की मिला के खुशबू कैसी होगी, कुछ कुछ वैसी होती है ना। और फूल भी आप देख रहे हैं बहुत कुछ नींबू के फूल और ऑरेंज के फ्लावर जैसा हो रहे हैं। लोकेशन के बाद बात करते हैं इसकी मिट्टी की, मैं आपको मिट्टी बताना भूल गई। हर तरह की मिट्टी में लग जाता है ये, लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो हमको इसके लिए वेल्टन सॉइल ही लेना पड़ती है, वही 1 पार्ट सैंड 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट इसमें गार्डन सॉइल, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है वाटरिंग, तो पानी इसको चाहिए प्लांट को, गर्मी में तो दोनों टाइम चाहिए। इसको मिट्टी थोड़ी सी हमेशा मॉइस्ट रहे ना, वो ऐसी मिट्टी इसको ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है, मतलब आप गमले में भी लगाएंगे तो इसको बड़ा होने में बड़ा टाइम लगता है और हाइट इसकी बहुत ऊंची जाती नहीं है। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू है, ये कॉस्मेटिक वगैरह में बहुत काम में आता है। आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे तो एक होता है थना का पाउडर जो ब्यूटी के काम में आता है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में आता है, उसमें इसकी लकड़ी का बहुत उपयोग होता है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि प्लांट बहुत काम में आता है। दूसरा ये कि जो इसकी ये पत्तियाँ होती हैं ना, फ्रेश पत्तियाँ, बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर मतलब समझिए 99% लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो इसकी पत्तियाँ हैं करी पत्ते की तरह भी यूज़ की जा सकती हैं और खाने में इनका भी स्वाद आने लगता है जैसे कि करी पत्ते का आता है। ऐसा तो इसमें ऐसी डालियाँ पतली पतली ही निकलती हैं, प्लांट कितना भी मोटा हो जाएगा ना, इतने मोटे से ज़्यादा इसका तना होता नहीं है, है ना। और अगर कभी आपको बहुत पुराना प्लांट मिल जाए, समझिए 30-40 साल पुराना और उसकी मोटी लकड़ी हो, तो उसको आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत रेयर होती है और इससे फर्नीचर बहुत बढ़िया बनता है, बहुत मज़बूत, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। यूज़ में ही ऐसा है कि इसके 10-12 पत्ते अगर हम पानी में बॉईल करें और वो पानी जब आधा रह जाए तो उसको पिएं तो जो सांस की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन जो भी मैं आपको ये यूज़ बता रही हूँ, आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद आप इनको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है, एज और हमारे इंडिया इतना बड़ा है तो हर जगह की क्लाइमेट भी थोड़ी फ़र्क होती है, तो उसके हिसाब से दवाई का डोज भी फ़र्क होगा, तो डॉक्टर से पूछकर ही इनका उपयोग करें, ऐसे ना करें। और ये जो इसकी पत्तियाँ होती हैं इनका पीस के इनका लेप आप अगर किसी जख्म वगैरह पे लगाते हैं, कोई चोट पे घाव पे लगाते हैं तो वो चोट पीस से ठीक हो जाती है। और इसके जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, फूलों से एसेंशियल ऑयल बनते हैं, तो वो जो एसेंशियल ऑयल है मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है, और इसकी पत्तियों से और फूलों से मार्केट में कभी आपको रेयर मिलेगी लेकिन मिल जाएगी, फ्लेवर टी भी मिलती है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी बताया लोकेशन, सॉइल, वाटरिंग, अब आता है फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है नहीं, अगर आप महीने में एक बार
इसमें कंपोस्टी या पोटाश वगैरह डालते हैं। पोटाश और सल्फेट का प्रयोग इसलिए करते हैं अगर इसमें फूल नहीं आ रहे हो तो, अदरवाइज इसमें ज़रूरत है नहीं। कंपोस्ट आप महीने में एक बार डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो इसके लिए सफिशियंट रहती है। अगर आपकी मधुकामनी में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसको फूल लेने के लिए आपको इतनी इतनी प्रूनिंग कर दीजिए, समझिए करीब 4-5 इंच की पूरे प्लांट की सब जगह से बारीक बारीक प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि फूल तो नई शाखाओं पर आएंगे ना, तो प्रूनिंग कर दीजिए। और उसके बाद इसमें गमले में अगर 10-12 इंच के 20 इंच के गमले में तो आधा चम्मच से लेके 1 स्पून तक पोटाश और सल्फेट आप गमले में डाल सकते हैं। गमले के किनारे किनारे डाल के पानी डाल दीजिए, है ना। तो इस तरह से इसमें फूल आते हैं और अभी फूल आने स्टार्ट हुए हैं, पूरा पेड़ जो है फूलों से भर जाता है, वाइट फूलों से, और बेहद खुशबू होती है इसमें। तो इसको लगाइए ज़रूर, बहुत टफ प्लांट होता है, बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें कुछ खास मेहनत करनी ही नहीं है, प्लांट अपने आप हरा भरा होता रहेगा और फूल भी आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन, तो इसकी प्रोपोगेशन सीड्स से और कटिंग से बहुत आसानी से हो जाती है। फूल ख़त्म होने के बाद इसमें सीड्स लगते हैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये फूल ख़त्म हो गया, यहाँ ये सीड बनना स्टार्ट हो गया है ना, ऐसी देखिए इसमें भी सीड बनना स्टार्ट हो गए। तो इसमें फूल, पहले तो वो फल ग्रीन कलर का ही होता है छोटा सा, उसके बाद वो ऑरेंज कलर का होकर पक जाता है, तो आप उसके सीड से कर सकते हैं। वैसे इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसकी डाल तोड़िए, कट कीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, लग ही जाएगा 100%, तो कोई फिक्र की बात नहीं, बहुत आसानी से लग जाता है। और इसको लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही बढ़िया खुशबू देता है और बहुत टफ प्लांट है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, प्लांट आपका सलामत रहेगा, उसे पानी मिले नहीं मिले, ये है कि ज़्यादा मिलता रहता है पानी उसकी जितनी ज़रूरत के हिसाब से, तो प्लांट को भरा भरा रहता है। अगर उतना कम मिलता है तो भी प्लांट तो जीवित रहता ही है आपका, ठीक है। तो इस प्लांट को आप लगाइए ज़रूर फ्रेंड्स। इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।